हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाइलाइटर को कैसे यूज करना चाहिए, आईब्रो को कैसे फील करना चाहिए, लिपस्टिक कैसे लगाना चाहिए और जो फाइनल लुक आता है वो कैसा आता है, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने इसी वीडियोज के 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फाउंडेशन अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, डार्क सर्कल को, पिगमेंटेशन को कैसे हाइड करना चाहिए एंड कॉन्टोर लगाते हैं तो कॉन्टोर जैसे हम लोग एक साथ जैसे कॉन्टोर लगा दिया, हाइलाइटर लगा दिया, कंसीलर लगा दिया, ब्लशर लगा दिया, पूरे फेस का कार्टून बना दिया, जोकर बना दिया, उसके बाद से उसको ब्लेंड कैसे करना है, ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे यूज करना चाहिए, इसका डिटेल वीडियो जा चुका है तो जाके चेकआउट कर लीजिए। और आज का वीडियो तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। दिवाली आने वाली है तो ये सारी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है एंड वेडिंग सीजन तो चल ही रहा है तो सारी वीडियो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरी बारीकी के साथ बता दी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से। तो इतना तो मैंने कर लिया है, अब मैं अपने फेस पर हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। हाइलाइटर जो है वो स्विस ब्यूटी का है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आपने देखा होगा, एंड जल्दी ही दूसरा पैलेट लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं इसको चेंज नहीं करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। स्विस ब्यूटी अगर आप कम रेंज में बहुत अच्छे प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो मेकअप के तो आप स्विस ब्यूटी का ले सकते हो। गालों को भी चमकाएंगे, स्माइल कीजिए देन लगाइए। वाओ, पर लिप्स पे भी थोड़ा सा लगाइए, ठोड़ी पे लगाइए एंड आईज पे तो पूरा लगा दीजिए। फोरहेड पे भी लगा दीजिए। इनर को पे आप इस तरीके से आईज पे अप्लाई कीजिए। दैट्स इट, पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। फिक्सर को अभी अप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम लोग अपना आईब्रो फील करेंगे। आईब्रो फील करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आईब्रो पेंसिल। इसको हम लोग अपने आईब्रोज को अच्छा सा एक शेप देंगे कुछ इस तरीके से, देन ब्लेंड करेंगे। तरीके से आईब्रो ब्लेंड करने वाले ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करेंगे और बहुत अच्छा सा शेप आ जाता है इससे। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि मैम आप ब्लैक आईब्रो पेंसिल यूज मत किया कीजिए, अच्छा नहीं लगता है, आपका मेकअप बहुत अच्छा है बट आप बहुत ज़्यादा डार्क कर लेते हो। थोड़ी अभी मेरे पास ख़त्म हो रखा है ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल या जेल आई लाइनर, तो मैं इस तरीके से ब्लैक ही यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास भी ब्लैक ही है बट आपको सूट नहीं कर रहा है, डार्क लग रहा है, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करते हैं, तो आपको क्या करना है इसको नेचुरल लुक दिखाने के लिए, आपको लेना है अपना फेवरेट आई शेडो पैलेट। इस तरीके से आपको आई शेडो पैलेट लेना है, ब्राउन कलर का आई शेडो अपने ब्रश में पिक करना है, देन अपने आईब्रोज पे अप्लाई कर देना है कुछ इस तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर शेप में जैसा आपका शेप है। ओके, तो जो आपका आईब्रो का लुक है वो डार्क से थोड़ा लाइट हो जाएगा एंड आपके फेस पे सूट करने लग जाएगा। एंड आज मैंने थोड़ा सा चौड़ा रखा है अपने आईब्रोज को, आपको आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको मुझ पर पतला आईब्रो अच्छा लगता है या फिर चौड़ा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आईब्रोज का लुक चेंज कर लूँगी। तो इस तरीके से आपको आईब्रोज को फील करना है, देन सेकेंड साइड भी सेम इसी तरीके से आपको अपने आईब्रोज को फील करना है। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड की आईब्रोज फील कर ली हैं। अब मैं अपना आई मेकअप करूँगी। आई मेकअप के लिए मैं ज़्यादा कुछ हैवी यहाँ पे नहीं करने वाली हूँ, बहुत लाइट लाइट आई मेकअप करूँगी। इसके लिए मैंने ब्रश लिया है, देन मैंने लिया है यहाँ पे लाइट पिंक कलर का शेड। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकाल देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना फेस का मेकअप कम्प्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालने के बाद से हम लोग अपने क्रीज एरिया पर कुछ इस तरीके से पिंक कलर का कलर अप्लाई करेंगे। बिल्कुल राउंड राउंड करते हुए इस तरीके से अपने क्रीज एरिया पे पिंक कलर अप्लाई कर लेंगे।
बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम आराम से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे मेहरून कलर और जस्ट उसके नीचे नीचे अप्लाई करेंगे। तरीके से राउंड राउंड ब्रश को घुमाना है एंड कलर को अप्लाई करना है। जिस तरीके से आप अपने आईज पे कलर को अप्लाई कर रहे हो, कलरफुल बना रहे हो, वैसे ही अपनी लाइफ को कलरफुल बनाइए और टेंशन को बोलिए टाटा बाय बाय। तो हमेशा खुश रहिए, टेंशन तो आती जाती रहती है, उसका क्या है, बट जितना खुश रहोगे उतना आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी और बहुत ईजिली आप अपने सारे काम कर पाओगे। तो इस तरीके से कलर को अप्लाई कर लिया है, जैसे अपने ऊपर अपने कलर को अप्लाई किया सेम ब्रश में लेंगे एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल देंगे एंड लो वाटर लाइन पे भी आपको कलर को अप्लाई करना है। अगर आपने लो वाटर लाइन पे कलर अप्लाई नहीं किया तो आपका जो आई मेकअप है वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो जो जो प्रोडक्ट आप ऊपर यूज कर रहे हो उसको लो वाटर लाइन पे भी जरूर अप्लाई कीजिए, बट आउटर साइड पे, इनर कॉर्नर पे नहीं। इनर कॉर्नर को हमको सिल्वर या व्हाइट कलर के आई शेडो से फील करेंगे। ओके, अब बारी आती है सेंटर में क्या करना है। आप चाहो तो कट क्रीज बना सकते हो। अगर आपके पास कट क्रीज बनाने का टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा इस तरीके से मेहनत नहीं कर सकते हो, कुछ आपको इजी सा चाहिए, तो आपको लेना है अपने ड्रेस से मैच होता हुआ कोई नेक्स्ट कलर। जैसे मैंने यहाँ पे गोल्डन लिया है, देन इनर कॉर्नर पे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। ओके, तो ये दो कलर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मजा नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, रेड कलर लिया, देन इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। वाह, अब हम लोग थोड़ा सा और इसको खूबसूरत दिखाने के लिए थोड़ा सा ब्लैक कलर का आई शेडो लेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा डार्क कलर आपको अगर आउटर कॉर्नर पे आप अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि जो आपकी आईज है ना छोटी छोटी सी, वो बड़ी बड़ी सी और खूबसूरत दिखने लगती हैं। ओके, तो आउटर कॉर्नर को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप डार्क कर पाओ। मेरी बैटरी लो हो चुकी है 5% पे, तो मैं चार्जर में लगा के एंड अपना मेकअप कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मैं अभी रात में मेकअप कर रही हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा रेस्ट करेंगे, उससे पहले जो हमारे फेस पे इतना रायता फैला हुआ है मेकअप का, आई शेडो का, उसको हाइड कर हटाने के लिए डायरेक्ट आपको नहीं करना है, आपको लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर, देन हल्के हल्के हाथों से सारे प्रोडक्ट को निकाल देना है। तो मैं लगाती हूँ मोबाइल को चार्ज में और जो ड्रेस मुझे डालनी है दिवाली पे वो मैं डाल लेती हूँ, उसके बाद अपना आगे का मेकअप कंप्लीट करेंगे। और मैंने ये पाउडर से प्रोडक्ट को हटाया तो मेरे आईज के नीचे भी काफ़ी अच्छा सा लुक, मतलब जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट थे या फिर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम थी वो भी अच्छे से हाइड हो चुकी है। तो चलिए फ़ोन को लगाते हैं चार्ज में और ड्रेस को पहन लेते हैं, तब तक फ़ोन चार्ज हो जाएगा और हम लोग मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो मैंने लगा दिया था अपने फ़ोन को चार्ज होने पे, तब तक मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया जो कि मैं दिवाली पे डालने वाली थी। तो इस तरीके से मैंने ड्रेस को पहना है। ये साड़ी है रेड कलर की एंड स्लीवलेस ब्लाउज, ये मैंने खुद से स्टिच किया है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो आई मेकअप मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइटर लेंगे। हाईलाइटर के बिना जब तक हमारे स्किन और चेहरे को लाइट ना हो तब तक हमारा कोई भी फंक्शन होता है वो अधूरा अधूरा सा लगता है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे पिंक कलर का कलर और इस तरीके से अप्लाई करेंगे आईलिड पे। ओके, तो
तो हाइलाइटर लगाने के बाद हमारे आई सॉरी ग्लिटर लगाने के बाद हमारे आईज का मेड लुक जो होता है वो थोड़ा सा अच्छा दिखने लग जाता है और खुद में एक अच्छी सी कॉन्फिडेंट आ जाती है। अब हम लोग लगाएंगे अपना लाइनर। ये लाइनर 36 हॉर्स मतलब घंटे वाला है एंड इसको अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। ये इस तरीके की है, ये मुझे 30 रुपीज़ में मिली है। मैंने इसको दुकान से लिया है तो मैं इसका लिंक आपको नहीं दे सकती, सॉरी। और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है। और इसको लगाना बहुत ही इजी है। अगर आप बैगिनर्स हो, लाइनर लगाने में दिक्कत आती है, तो आप ये वाला लाइनर ले सकते हो। लो वाटर लाइन पे लाइनर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लो वाटर लाइन पे जब तक आप लाइनर अप्लाई नहीं करोगे तब तक जो आपका काजल है ना वो आपकी आंखों से रूट रूट के बाहर फैलता जाएगा। तो काजल को रूटने ना दें एंड लाइनर को नीचे लगा लें ताकि वो बिल्कुल भी ना फैले। ओके, तो इस तरीके से ही सेम दूसरी आईज पे भी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आगे हमारा थोड़ा सा चौड़ा हो गया था दूसरी वाली आईज में लाइनर, तो हमको दूसरी आईज पे भी ना चाहते हुए आंखों में का लाइनर को थोड़ा चौड़ा लगाना पड़ेगा। वैसे लाइनर के ऊपर मेरी मैंने बहुत सारी वीडियोज डाली हुई है डिटेल में, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लाइनर कैसे अप्लाई करते हैं। लो वाटर लाइन पे भी ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि हमको अपने काजल से प्यार है, काजल हमारी आंखों में रहे, आंखों से बाहर ना जाए इसके लिए। तो लाइनर तो हमने अप्लाई कर दिया, देन जो हमारा इस साइज का लाइनर है वो फ्रंट में थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो मैंने इस तरीके से फिंगर से साफ तो किया बट वो साफ होने का नाम नहीं ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, ब्रश उठाएंगे देन अपने ग्लिटर से मैच होता हुआ कलर पिक करेंगे देन लगा देंगे एंड हमारा लाइनर बिल्कुल से ठीक हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, काजल को भर भर के अपनी आंखों में लगाएंगे। तो काजल जो है वो हमारा है लैक्मे का, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इसको इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। अब जो हमारा काजल है बिल्कुल भी आंखों से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप अपनी छोटी छोटी पैरी पैरी आंखों को थोड़ा बड़ा और दिखाना चाहते हो तो आपको व्हाइट काजल अप्लाई करना है ब्लैक काजल की जगह पे। अब हमने इस तरीके से मेकअप तो कंप्लीट कर लिया बट लिपस्टिक के बिना जो हमारा मेकअप है वो कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है। तो हम लोग लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, इससे पहले हम अपने आई लैशेज को दिखाएंगे थोड़ा बड़ा, जिससे कि हमारी आईज जो है और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो उसके लिए मैंने मस्कारा जो अप्लाई किया है वो है लैक्मे का, और बहुत अच्छा है। लैक्मे के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लैशेज कैसे अप्लाई करते हैं, क्या सही तरीका है, पूरा प्रोसेस डिटेल में वीडियो अपलोड है चैनल पे, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम लोग लिपस्टिक लगाएंगे और आपको अपना फाइनल लुक दिखाएंगे, क्योंकि ये अभी रात के बज रहे हैं 11 और वीडियोज होती जा रही है काफ़ी ज़्यादा लंबी, तो इसलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लिपस्टिक कंप्लीट करके ज्वेलरी जो डाली है वो डाल के बिंदी लगा के अपना फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए, मेकअप करते वक्त तो बहुत सारे मिस्टेक होते हैं, मस्करा अक्सर कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे आपको भी इस तरीके से फैला होगा, आपके आपका मस्करा जो है वो आपके आईज के नीचे गिर गया होगा। तो आपको इस तरीके से ब्रश लेना है और बहुत ईजिली इस तरीके से बिल्कुल प्यार से बोल दो, भाई तू जा तेरी जगह, अभी हमको तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत ईजिली चला जाएगा बहुत प्यार से। तो प्यार से कोई भी काम आप करवा सकते हो, ना कि गुस्से में, क्योंकि हम लोग अगर तुरंत इस तरीके से मस्करा गिरते गिरते हम लोग टॉवल ले लेते हैं, कॉटन ले लेते हैं, तो हमारा मेकअप जो होता है वो बिगड़ जाता है। बहुत प्यार से हमने इससे निकाल दिया। तो आप ये भी ये हैक ट्राई कर सकते हो। तो जो मेरा फाइनल लुक था वो कुछ इस तरीके का आया था मेकअप करने के बाद, बट जो मेरा लुक है वो थोड़ा सा मुझे अभी कंप्लीट नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक लेंगे छोटी सी बिंदी और बिंदी को लगाएंगे अपने माथे पे, और अभी जो लुक है वो मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और मैंने हेयर कट किया है इसलिए मैंने हेयर
स्टाइल कोई नहीं बनाई है, बट आपको अगर हेयर स्टाइल बनाना है तो आप बना सकते हो। तो ये है मेरा दिवाली के लिए फाइनल लुक, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से रख सकते हो, अगर आप हाउसवाइफ को बहुत सारे काम है आपके पास, बालों को खुला नहीं रख सकते, तो बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल है मेरे चैनल पे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, कई बार हम लोग मेकअप करते हैं, मेकअप करना तो सबको पसंद है, होता है ही, बट जरूरी नहीं कि आपको मेकअप करना पसंद है तो आप परफेक्ट मेकअप कर पाओ। कई बार मेकअप हमारा करते करते केक ही हो जाता है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए आपको मैं एक हैक बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर नीचे गिर गया था, ब्यूटी ब्लेंडर को लेना है, देन थोड़ा सा मेकअप फिक्सर अप्लाई करना है, और अपने ड्रामे मेकअप को प्रोफेशनल एंड खूबसूरत बनाने के लिए मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा 5 मिनट टाइम दीजिए, और जहाँ जहाँ लगे कि आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग गया है, बस आपको ब्यूटी ब्लेंडर को टैप टैप करना है और अपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को अपने फेस से निकाल फेंकने हैं, और मेकअप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देना है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप अपने फेस से निकाल दोगे, और ये यकीन मानिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है। जब भी मेरा मेकअप इस तरीके से कभी केकी हो जाए, एक्स्ट्रा लगने लगे, तो मैं यही ट्राई करती हूँ, और मेरा मेकअप दोबारा से वैसे का वैसे हो जाता है। और ये करने के बाद से हो सकता है कि आप, अरे यार, तो ये मैंने ब्रश को ढूंढ निकाला है, एंड अपने मेकअप को दोबारा से फ्रेश दिखाने के लिए आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से पाउडर को लेना है एंड अपने फेस पे अप्लाई कर देना है। तो आपने जो मेकअप फिक्सर के थ्रू अपने मेकअप को निकाल दिया था, जिसकी वजह से आपका मेकअप थोड़ा सा डल दिख रहा था, तो दोबारा से फ्रेश हो जाएगा एंड लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो आई होप ये है कि आपको पसंद आया हो। अब हम लोग मेरा जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके का आया है, बट अगर आपको हेयर स्टाइल बनानी है तो आप हेयर स्टाइल देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके, एंड आप अपने मेकअप को और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए एंड सीखते रहिए। इसी तरीके की डे बाई डे वीडियोज मेरे चैनल पर जाती रहती है, और मेरा ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे ऊपर साइड मांग ज़्यादा अच्छी लगती है कि बीच की मांग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसी तरीके से अपना हेयर स्टाइल रख पाऊँ। ओके, साइड मांग में आपने देखा ये मेरा सेंटर पार्टीशन है, इसके साथ आप मांगटी का भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो मांगटी का मेरा कुछ इस तरीके का है, सॉरी बीच बीच में जाके मैं अपना प्रोडक्ट लेते रहती हूँ, थोड़ा और ऊंचा कर लेते हैं। ये है मेरा फाइनल लुक, थोड़ा सा हेयर स्टाइल और बना सकते हो आप चाहो तो। तो इसके साथ अगर आपको हेयर स्टाइल बनाना है तो किस तरीके से बनाओगे वो मैं बता रही हूँ आपको। तो आज की वीडियो इतना यहीं पे समाप्त करते हैं, हेयर स्टाइल की वीडियो नेक्स्ट टाइम जाएगी, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके साथ आप छोटा छोटा ट्विस्टिंग करके इस तरीके से लगाओगे तो भी आपका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, और मुझे बताइएगा जरूर मुझे कौन सा पार्टीशन अच्छा लग रहा है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपने बालों का लुक रख पाऊँ। बाय बाय।